वाई जेड। तो आप देखें जब आई का प्रयोग कर रहे हैं तो वाई जेड आया है। इसी तरह से अब यहां रफ करना पड़ेगा, तो ये देखें इसी तरह से आई के बाद अगर आप जे का प्रयोग कर रहे हैं प्लस करके, हालांकि यहां से हम साइन चेंज कर दे रहे हैं ताकि इधर डायरेक्ट हम वैल्यू ले लें, आप डायरेक्ट यहां माइनस वाला रखिएगा, प्रोसेस अलग अलग है, हम इसी पर समझा रहे हैं। तो फिर आप इसको क्लोज कर लीजिए और ये डाउन और आप लीजिए, जब इसको क्लोज करके लिखेंगे देखिए डाउन तो ये आ गया जेड एक्स, अब फिर माइनस, अब इसको अप करके ले लीजिए तो एक्स जेड। अब आपको ज्यादा समझाने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगा, अब आप समझ गए होंगे कि जैसे आई पर जो है जेड वाई, अब यहां पर जे पर देखिए जेड एक्स आ गया, अब इसी तरह से इसको क्लोज कर लीजिए तो अब ये फंक्शन इस पर चलेगा। तो हम इसको क्लोज करके ऐसे फर्स्ट ये ले रहे हैं तो वाई एक्स पर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स और वाई, तो आपने ये सॉल्व कर लिया। लेकिन एग्जाम में करना क्या है, सब सॉल्व थोड़े करना रहता है, समझना भी होता है, जो आपको प्रॉब्लम दिया गया था वो तो आप नोट कर ही लिए हैं क्या दिया गया है, रिजल्ट सामने है। तो आपको दिया गया था कर लाभ पोजीशन वेक्टर, कर लाभ पोजीशन वेक्टर, तो रिजल्ट आ गया है। देखिए यहां पर भी जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई के लिए जेड कांस्टेंट होगा, तो इस तरह से यहां पर जो है देख लीजिए जेड के लिए वाई कांस्टेंट हो जाएगा, जेड एक्स के लिए जेड कांस्टेंट हो जाएगा, इस तरह से जो है यहाँ पर देखिए सब वैल्यू जीरो जीरो आएगा। तो कहने का सेंस यहाँ पर भी ये सॉल्व नहीं हुआ, जीरो यहाँ पर भी जीरो, 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 टोटल रिजल्ट क्या है जीरो। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है जीरो, सॉल्व नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है याद करना ही पड़ेगा, समय भी बचाना है। हम पोजिशन वेक्टर का आपको समझा रहे थे, लेकिन आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे सेकंड देख लीजिए कर लाभ सेंट्रल या कंजर्वेटिव फोर्स, पूरा हम सेंटेंस भी लिख दे रहे हैं, कर लाभ कंजर्वेटिव फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, तो इस तरह से आप ले सकते हैं कंजर्वेटिव या सेंट्रल फोर्स के लिए, तो ये जीरो ही आएगा, जैसा हमने सॉल्व किया था उसी तरह से जीरो आएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड हो तो कल आप लेंगे जीरो आ जाएगा। लेकिन सोलेनाइडल, अब यहां एक इंपॉर्टेंट आपको दे दे रहे हैं, कर लाभ कंजर्वेटिव फोर्स, या अभी आपको हमने बताया कि कर लाभ ई, तो आपने कह दिया जीरो, ठीक है। लेकिन यहां नोट करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात है, जैसे सोलेनाइडल फील्ड होती है उस पर भी डिस्कशन होता है और नॉन सोलेनाइडल फील्ड की बात आती है, तो डाइवर्जेंस पर हम वहां समझाएंगे कि अगर कोई डाइवर्जेंस आप यूज कर रहे हैं, जैसे इसके लिए एफ के लिए या ई के लिए, मान लीजिए यहाँ कोई रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी आ गया कि हमने लिख दिया है, लेकिन वही डाइवर्जेंस जब आप सोलेनाइडल फील्ड में लेते हैं मैग्नेटिक के लिए तो वैल्यू जीरो आ जाती है। तो आपको हम एक टॉपिक अलग से बताएंगे सोलेनाइडल फील्ड और वेक्टर क्या होता है और उसके रिजल्ट को हम कैसे पढ़ते हैं। तो आपको हमने जो एप्लीकेशन दिया उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कि हम तीनों फॉर्म लिए, क्योंकि ग्रेडियंट में हम कैसे यूज कर रहे हैं, ग्रेडियंट में भी हमने दो पार्ट कर दिया था, आपने ध्यान दिया था कि ग्रेडियंट के साथ जो है हमने एक पार्ट स्केलर लेके समझाया था, जिसका रिजल्ट आप याद भी कर लिए होंगे कि वो आर कैप या यूनिट वेक्टर आया था, और उसी में हम ग्रेडियंट के साथ जो है पोजिशन वेक्टर लिया था, तो उसका रिजल्ट आपने याद कर लिया होगा तो थ्री आया था। ऐसे ही प्रॉब्लम इसमें ऐड होता रहता है और आपको प्रयास करना है।
जैसे देखे हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रहे हैं, मान लेते हैं कि आपको दे दिया गया ये लिखकर ऐसे। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, आप अगर 8-10 सेट लगा लीजिए तो वेक्टर से अगर कोई प्रॉब्लम स्टैंडर्ड आता है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये दे दिया गया, अगर ये स्केलर फॉर्म है तो जैसे हमने समझाया था वैसे सॉल्व होगा। उसी तरह से जैसे कि आपको कोई पोजीशन वेक्टर दिया गया होगा एक्स आई वाई जे जेड के, इस तरह से कुछ दिया गया होगा, आप इसका मॉड भी लिख लेते हैं ऐसे, मॉड को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर या आर का स्क्वायर करके आप लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इसका प्रोसेस होता है। तो या इसको स्वतः गुणन विधि से आप या कहते हैं कि सेल्फ मल्टीपल प्रोसेस से भी आप ये निकाल लेते हैं। इसका पार्शियल भी हमने समझाया था कि किस तरह आता है। तो यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना हो तो क्या करना होगा, यहाँ जैसे इसका रिटर्न पार्ट बार बार हम लिखने से आपको अभ्यास होगा। जैसे ये लिखा जा रहा है, ये देखिए प्लस यहाँ पर लिखा जा रहा है, इसको देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये देखिए इस तरह से आपने ये यूज किया। अब अगर ये स्केलर है तो हम पहले भी समझाए थे कि अगर आपने इसको स्केलर के रूप में लिया है, यहाँ पर 1/r स्केलर, तो r का यहाँ ये पार्ट वाला है स्केलर का है, तो आप सीधे जैसे हमने 5 दिया तो सीधे मल्टीप्लाई कर लिया था। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये 1/r, यहाँ पर भी वही है, आप सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/r, फिर यहाँ पर भी ले सकते हैं सीधे, देखिए इसमें 1/r। तो आपके पास जो है बहुत इजी इस तरह का सिस्टम प्राप्त हो जाएगा और इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी भी है और कुछ वर्क हम देना भी चाह रहे हैं कि इसका जो है आप डिफ्रेंसिएशन वगैरह कैसे करते हैं जब ये अलग अलग वेरिएबल है। तो पहले तो ये पावर वाला ऊपर करके समझा दे, जैसे कि आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग से समझा दे रहे हैं। ये है देखिए 1/r, तो आप इसको इस तरह से पावर में माइनस कर दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। अब पहले r को सॉल्व कर लीजिए, पावर पहले आएगा, इसमें से एक पावर घटा दिया जाता है, फिर ये r का पार्शियली डिफरेंशियल फंक्शन में आता है ऐसे। ये तो माइनस रहेगा, ये अपान में हो जाएगा 1/, ये r माइनस 2 था तो r स्क्वायर हो गया। तो ये आपने रिजल्ट देखा। तो इस तरह से हम सबको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर और रख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अगर रखना चाहें तो देखिए सॉल्व तो कर ही दिए हैं, तो आ गया यहाँ पर ये -1/r^2 डेल आर बाई डेल एक्स। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी है तो -1/r^2 डेल आर बाई डेल वाई, इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं 1/r^2 डेल आर वाई डेल जे। तो आपने ये बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। कॉमन तो देख ही रहा है सब में क्या है, -1/r^2। अब आप ये फंक्शन जान चुके हैं, तो यही मैंने कहा था कि कुछ चीजें आप अगर याद कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है तो आप ऐसी चीजों को लिख कर याद भी करेंगे जो रिपीटेशन शो कर रहा होगा। तो हम ये अभी आपको बताए थे कि इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो ये जब सॉल्व किया गया था तो आपको मिला था आर कैप, तो आप ये लिख सकते हैं ये सॉल्व करने पर आर कैप आया था, या आप आगे लिख सकते हैं 1/r^2 तो होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, तो अब मॉड ऑफ वेक्टर को आर ही कहते हैं, तो आगे लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन
आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। जो रिजल्ट मिला वो क्या है, क्या दिया गया था, तो आप समझ गए होंगे। आपको जो ये दिया गया है, ये आया है माइनस वेक्टर आर अपान आर क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, आप उनको प्रयास करें और सॉल्व करें, देखें कि क्या आ सकता है। जैसे हमने दे दिया, आप तो इसको सॉल्व करिएगा, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, जैसे कोई एक्सरसाइज आपको ये दे दिया गया है आर की पावर एन, इसको सॉल्व करिए। जैसे हमने वन पावर पर आपको समझाया था, हम यहाँ टू पावर दे दें, हमने एन लिख दिया है, उसको आप सॉल्व करिएगा। हो सकता है सॉल्व का आंसर यह आता हो आर की पावर एन माइनस टू, इस तरह से कोई फैक्टर आता हो तो देख लीजिएगा कि क्या आता है। अब इसका हम आंसर डायरेक्ट आपको नहीं दे रहे हैं कि सही है गलत है, आपको सॉल्व करना है और देखिए जो रिजल्ट आता है वो आपको लिखना है। ये पावर टू का रखकर अभ्यास कर लीजिए, वैसे ही एन का रखकर अभ्यास कर लीजिए। तो जो भी टॉपिक है वो आपको हम क्वेश्चंस को पीडीएफ फाइल में करके देंगे, आप उनको सॉल्व करिएगा, हम फिर उनका आंसर और भी बताएंगे, तो आप क्लियर करिएगा कि आपने सही लगाया है या नहीं। जैसे हम ऐसे भी क्वेश्चन आपको देंगे, देखिए यहाँ पर जो है ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर ऐसे दे दिया जाएगा, इसका आप सॉल्व करिए क्या आएगा। तो इनमें आपको 8-10 क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे, जो एप्लीकेशन होगा ग्रेडियंट पर, डाइवर्जेंस पर और कर्व पर। आज का लेक्चर इतना ही, आप इसको तैयार करें। तो वेक्टर में हम आगे टॉपिक जो होगा, जैसे कि रिलेटिव मोशन आपको बताया जाएगा और वेक्टर इन सर्कुलर प्लेन बताया जाएगा, वेक्टर इन प्रोजेक्टाइल। तो आप एक यूनिट को अच्छी तरह से एक जगह लिखेंगे तो निश्चित आप उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस क्लियर करके आएंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा।